भुना सोया चांप। तैयार है ये रेसिपी, जाइए ट्राई करें। नमस्कार, सत श्री अकाल, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर, यानी कि मेरे रिपोदमन हांडा YouTube चैनल पर। अब देखिए, यहाँ पे मैं आपको रेसिपी बताता हूँ दुनिया भर की, जहाँ जहाँ मैं ट्रैवल करता हूँ या जहाँ जहाँ मैं ट्रैवल करने वाला हूँ वहाँ पर जाकर कुछ ना कुछ ऐसी रेसिपी लेके आता हूँ जो मैं आपसे शेयर कर सकूँ। अब ये एक रेसिपी है, जो आज की रेसिपी है ना, वो एक ऐसी रेसिपी है जो नॉर्थ साइड में ना बहुत पॉपुलर हो चुकी है, मतलब कि वेजिटेरियंस की जान बन चुकी है और ट्यूसडे को नॉन वेजिटेरियंस की बन चुकी है। वो है सोया चाप। अब इस सोया चाप को हम जगा देंगे, ठीक है, जगाएंगे नहीं, इससे बनाएंगे हम सोया चाप ग्रेवी। वो भी कौन सी वाली? भुना ग्रेवी। अब जैसे मखनी ग्रेवी होती है, पालक ग्रेवी होती है, वैसे होती है भुना ग्रेवी। हम बनाएंगे बहुत सिंपल, बहुत आसान, कम मसालों के साथ भुना ग्रेवी सोया चाप। शुरू करें, इंतजार इस बात का है, लेट्स गो। सबसे पहले हम डालेंगे कढ़ाई के अंदर तेल, और तेल गर्म होने के बाद हम इसमें फ्राई करेंगे हमारी सोया चाप। अब हमारी सोया चाप को हमने करना है गोल्डन फ्राई, एकदम क्रिस्पी होनी चाहिए। अब इसको धीमी आंच पे हम फ्राई होने देंगे। फ्राई इसलिए करना है क्योंकि सोया चाप में होता है पानी, और इसको धीमी आंच पे जब आप फ्राई करेंगे तो ये अंदर तक एकदम क्रिस्पी हो जाएगी। अब गोल्डन फ्राई होने के बाद इसको हम निकाल लेंगे एक दूसरी प्लेट पे। अब एक दूसरे पैन में डालेंगे हम 2 बड़े चम्मच ऑयल, साथ में डालेंगे बे लीफ, दालचीनी, ग्रीन कार्डिमम, ब्लैक कार्डिमम और क्लोव। हम डालेंगे इसमें जीरा। जीरा जैसे ही क्रैकल होता है, क्रैकल अच्छे से करने के बाद हम डालेंगे इसके अंदर बारीक कटा हुआ प्याज। अब इस प्याज को हमने अच्छी तरह से भूनना है, तब तक भूनना है जब तक ये ब्राउन ना हो जाए। ये देखिए, प्याज हल्का का सॉफ्ट होना शुरू हो चुका है। प्याज भूनते ही हम डालेंगे इसमें गार्लिक और साथ में जिंजर और साथ में हरी मिर्च। अब यहाँ पे गार्लिक की क्वांटिटी हमने ज़्यादा रखनी है। अब इन सब को हम अच्छे से भूनेंगे। देखिए, ये प्याज भुनने के बाद, सब कुछ भुनने के बाद हम डालेंगे इसमें टमाटर प्यूरी। जी हाँ, यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ टमाटर की प्यूरी का। अब इन सब को हमने और पकाना है जब तक कि हमारा जो टमाटर का रंग है वो चेंज ना हो जाए और साथ साथ में इस ग्रेवी के ऊपर ऑयल ना आ जाए। दूसरी तरफ एक बोल में हम डालेंगे दही, साथ में डालेंगे रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला पाउडर, काली मिर्च पाउडर, और इन सब को हमने मिक्स कर लेना। नमक डालने के बाद इसको मिक्स करेंगे। अब फिर टमाटर और प्याज के अंदर से पानी रिलीज होगा और फिर इसके बाद हम डालेंगे हमारा ये दही वाला मसाला। जैसे ही मसाला सरफेस छोड़ना शुरू कर दे, इसमें डालेंगे हम ये फ्राइड की हुई सोया चाप। अब इन मसाले को और सोया चाप को हमने अच्छे से मिक्स करना है ताकि सोया चाप के अंदर तक ये भुना मसाला चला जाए। अब इसको ढक देंगे हम तकरीबन 5 मिनट के लिए, और देखिए क्या मज़ेदार खुशबू है इसकी। ऊपर से डालेंगे इसके ऊपर हम कसूरी मेथी। अब ये है एकदम गेम चेंजर, जैसे कसूरी मेथी डालेंगे ना इसके ऊपर, इसका स्वाद बदल जाएगा।
भुना सोया चाप। तैयार है ये रेसिपी, जाइए ट्राई कीजिए। ट्राई करने के बाद लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। और साथ ही साथ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मिलता हूँ आपको बहुत जल्द एक नई रेसिपी और एक नई कहानी के साथ, अपनी कहानी के साथ। तब तक की इंजॉय कीजिए और बस खाना खाइए। खाना खाने के साथ साथ लोगों के साथ प्यार बांटें।